8.1 आयनिक बंध, आयनिक बॉन्ड। ऐसे तत्व जिनके परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं, हाइड्रोजन को छोड़कर, वे बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए अपने ही परमाणु या दूसरे परमाणु से संयोग या क्रिया करते हैं, अर्थात अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। पर कैसे? आइए इसे दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले नमक सोडियम क्लोराइड के उदाहरण द्वारा समझें। सोडियम क्लोराइड सोडियम तथा क्लोरीन तत्वों से मिलकर बनता है। आप जानते हैं कि सोडियम तथा क्लोरीन की परमाणु संख्या क्रमशः 11 तथा 17 है। आइए इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं। अब दोनों तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखकर बताएं कि इनके बाह्यतम कक्ष संयोजी कक्ष में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं। सोडियम तथा क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 8-8 इलेक्ट्रॉनों का आंकड़ा पूरा होने की क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं? आपने देखा कि सोडियम परमाणु के K कक्ष में 2, L कक्ष में 8 तथा M कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है। पहली संभावना यह हो सकती है कि सोडियम M कक्ष के 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, जिससे उसके K तथा L कक्ष में क्रमशः 2 तथा 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएं। ऐसी स्थिति में वह अक्रिय गैस विन्यास नियॉन 2-8 प्राप्त कर लेगा। दूसरी संभावना यह हो सकती है कि सोडियम 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, जिससे उसके K कक्ष में 2, L कक्ष में 8 और M कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। ऐसी स्थिति में वह अक्रिय गैस विन्यास आर्गॉन 2-8-8 प्राप्त कर लेगा। सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, इसका अर्थ है कि उसके नाभिक में 11 प्रोटॉन तथा कक्षों में 11 इलेक्ट्रॉन हैं। यदि वह 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो क्या आप बता सकते हैं कि उस पर कितना आवेश होगा?